ओडिशा के तितलागढ़ में बीती रात हजारों रेल यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस तितलागढ़ स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन अचानक ही ट्रेन उल्टी दिशा में बिना इंजन के ही पटरियों पर दौड़ पड़ी। ट्रेन अहमदाबाद से पुरी जा रही थी, स्टेशन पर इंजन को दूसरी दिशा में लगाने के लिए अलग किया गया था। ड्राइवर ट्रेन में स्किड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक चल पड़ी। अंदर बैठे यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हैरान हो गए और हैरत में थे। 12 किलोमीटर तक ट्रेन ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद ट्रैक पर रेत की बोरियां डालकर ट्रेन को रोका गया। हादसे के बाद संबलपुर DRM ने हादसे के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप्तो मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप्तो, आखिर इतनी बड़ी चूक, हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई, कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए बैजलाल, मैं आपको यहाँ पे ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो है कल रात को 10 बजे का घटना ये है। जैसे कि ट्रेन का इंजन पीछे से लगाने के लिए आया, तभी घटना लगाने से और की जो केसिंग है उल्टी दिशा से गति की। उसके बाद जो ट्रेन जो जहाँ पे जाना था उसको पूरी आना था, पूरी आने के लिए बलांगीर बरगढ़ और संबलपुर होकर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता केसिया की तरफ गया। केसिया से जैसे 12 किलोमीटर उसको गया था उदयपुर और कुछ कैसे डाल के उसको भी रुका गया। इसलिए 3,000 से ज्यादा यात्री थे, उसमें 22 डिब्बे थे। उसमें यात्री लोग कुछ पानी परचेज करने के लिए कुछ देर से उतर गए थे। उन्होंने देखे उनका परिवार लोग वहीं पे थे, उन्होंने चिल्ला हल्ला करने लगा। उसके बाद ट्रेन को उन्होंने जाके कुछ जो कर्मचारी है उनको जाके केसिया से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में उसको रुका गया ट्रेन को। उसके बाद यहाँ पे बाकी हजार लोगों के जान में खतरे में थे, इसीलिए जब उसको DRM में सूचना मिला, तुरंत दो आदमी को, दो रेलवे वर्कर को तुरंत सस्पेंड किया और उसका जो है DRM जो है उनको दायित्व दिया गया कि आज आके उसका सदन ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए और कुछ कुछ किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका किसके हिसाब से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।